इकट्ठे हो जाएं। फिर हमारे पास जो लास्ट स्टेप है हमारे पास एलिमिनेशन, हम एलिमिनेशन को डिस्कस करेंगे। एलिमिनेशन जो है टेट्रासाइक्लिन जो एलिमिनेट हो जाता है ज़्यादातर यूरिन के अंदर, यूरिन में इसकी एलिमिनेशन है। बट ये जो मीनोसाइक्लिन जो है ये इसमें हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होती है, इसमें मेटाबोलाइट्स बनते हैं, ठीक है। और ये किडनी से सबसे कम इसमें एलिमिनेशन जो होती है ना इसकी कम होगी, ठीक है। और बाकी जो डॉक्सीसाइक्लिन है ये भी सेम, इसकी भी प्रेफर्ड इन पेशेंट विद रीनल डिसफंक्शन बिकॉज इट इज़ प्राइमरी एलिमिनेटेड बाय द बाइल इनटू द फीसेस। ये भी फीसेस में एलिमिनेट होगा और ये भी हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के थ्रू होगा एलिमिनेट। तो हम जब रीनल डिसफंक्शन होता है तो हम ज़्यादातर इसको प्रेफर करते हैं, मीनोसाइक्लिन को, और डॉक्सी को भी कर सकते हैं क्योंकि ये किडनी से एलिमिनेट नहीं होते। फिर डोजेज एडजस्टमेंट जो होती है किडनी के पेशेंट में, इन दोनों ड्रग्स की इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म किडनी के थ्रू नहीं होता, इनकी एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू नहीं होती। और फिर हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एडवर्स इफेक्ट्स, सबसे पहले जो है ना वो आपके पास आएगा गैस्ट्रिक डिसकम्फर्ट। ओके, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस हो जाता है पेशेंट के अंदर ड्यू टू इरिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, एंड इट इज ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन कंप्लायंस विद टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। ये गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट ये पहला रीजन है। इसमें इसोफेगाइटिस हो जाता है पेशेंट में, मतलब ईसोफेगाइटिस भी हो जाता है अगर मतलब इसको हम इस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं ईसोफेगाइटिस को कि अगर हम खाने के साथ टेट्रासाइक्लिन दें, बट वो डेयरी प्रोडक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अक्सर जो होता है ना आप पेशेंट को कहोगे कि आप इसको एम्प्टी स्टमक लो। फिर अफेक्ट्स ऑन कैल्सीफाइड टिश्यूज़ पे जिसका इफेक्ट है, जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया था कि डेयरी प्रोडक्ट्स उसके साथ ही लेते क्योंकि डाइवलेंट और ट्राइवलेंट के टाइम्स होते हैं, तो उसके साथ डेयरी प्रोडक्ट्स में उसके साथ ये नॉन एब्जॉर्बेबल कीलेट्स बना लेते हैं। और फिर वो नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं तो एफिकेसी जो होती है ना वो ड्रग की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा, फिर हमारे पास हेपेटोटॉक्सिसिटी हमारे पास है थर्ड। और हेपेटोटॉक्सिसिटी हमारे पास हाई डोजेस में पेशेंट को हो सकता है हेपेटोटॉक्सिसिटी, और स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन में, तो प्रेग्नेंट वुमेन में तो देते भी नहीं है इसको टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। फिर आपके पास फोटोटॉक्सिसिटी, एक वियर्ड सा EDR। फोटोटॉक्सिसिटी ये है कि सन बर्न हो जाता है पेशेंट के अंदर जो ले रहे होते हैं टेट्रासाइक्लिन। और टॉक्सिसिटी किसी भी टेट्रासाइक्लिन की क्लास में किसी भी एजेंट की वजह से हो सकती है, बट पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप वो सन प्रोटेक्शन यूज़ करें। इसके अलावा एक इसके अंदर एजेंट है डी मिथाइल क्लोरो टेट्रासाइक्लिन, इसी का टेट्रासाइक्लिन का एक मेटाबोलाइट है, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन का ही मेटाबोलाइट है डी मिथाइल क्लोरो टेट्रासाइक्लिन। उसकी वजह से मोस्टली मतलब रिसर्च पेपर्स में देखा गया, आर्टिकल्स वगैरह में, तो अभी तक जो पता चला ना तो इसी की वजह से कॉज होती है। वेस्टिब्यूलर डिसफंक्शन, वेस्टिब्यूलर डिसफंक्शन जो ईयर का एंडोलिम्फ है वहाँ पे ये ड्रग इकट्ठा हो जाता है, कंसनट्रेट हो जाता है, और फिर इसी डिजीनेस, वेटिगो, टिनाइटिस वगैरह, सीटोट्यूमर सेरिब्राई जो है वो इसका एक और एडवर्स EDR है। उसके अंदर ये होता है कि इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन होती है, ठीक है, सीटोट्यूमर सेरिब्रम, इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन हो जाती है, और ब्लड वीएन होती है, डिजीनेस फील होती है, और मे बी अगर आप डिसकंटिन्यू कर दें ड्रग तो बाकी सब कुछ ठीक हो जाए। बाकी जो ये आप कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं ना टेट्रासाइक्लिन को यूज़ नहीं करते प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, या फिर 8 साल की उम्र तक बच्चों में यूज़ नहीं करेंगे हम।
ठीक है। फिर हमारे पास मैंने आपको बताया था कि इसकी एक सब क्लास है ग्लाइसाइल साइक्लिन्स, उसमें इसमें एक एजेंट है टाइच साइक्लिन। ओके, अब ये जो है ना, अभी हमने टेट्रासाइक्लिन के ड्रग्स में पढ़ी थी एक ड्रग मीनोसाइक्लिन, उसका डेरिवेटिव है ये, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। और बाय द वे कॉम्प्लिकेशंस जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेटेड स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन जाती है, इंट्राएब्डोमिनल कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया, इसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल सेम है, ये बैक्टीरियोस्टेटिक है, ये भी 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड करता है और इनिबिट करता है बैक्टीरिया की फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस। इसका स्पेक्ट्रम है हमारे पास के ब्रॉड एक्टिविटी है। अब मैथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफालो कोकाय, ठीक है, मैथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफालो कोकाय, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकाय, मैकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंटेरोकोकाय, ठीक है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम इसका ग्रैम नेगेटिव के लिए, बहुत ज़्यादा एनारोबिक बैक्टीरिया तक। अब इसकी भी रेजिस्टेंस की वही सेम स्टोरी है कि इसमें भी फ्लक्स पम्प्स बन जाते हैं और बैक्टीरिया जो है इस ड्रग को पुश आउट करता है फ्रॉम इट्स। और बाकी इसमें ये है कि मतलब इसमें फ्लक्स पम्प्स ही ज़्यादा बनते हैं। काइनेटिक्स जो है इसकी, ये ज़्यादातर आईवी इन्फ्यूजन में वो होता है अवेलेबल, आईवी इन्फ्यूजन्स होती हैं इसकी, आईवी इन्फ्यूजन लगती है। बट इसके अंदर मसला ये है कि ठीक है, इसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर ना प्लाज्मा में ड्रग की कंसेंट्रेशन कम होती है, इसलिए जो ब्लड में जब बैक्टीरिया ज़्यादा अफेक्ट करता है ना, मतलब जब ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं उसके लिए ये थोड़ा कम अफेक्टिव होता है, ठीक है, उसके लिए इसकी एफिकेसी कम हो जाती है, क्योंकि इसमें प्लाज्मा कंसेंट्रेशन जो होती है वो ड्रग की कम हो जाती है। प्राइमरी रूट जो इसकी एलिमिनेशन जो होती है ना, इसकी एलिमिनेट आउट होगा ये, ठीक है, वो फीकल रूट से ही होगा। हेपेटिक डिसफंक्शन के पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। फिर ये ADR वही नोजिया वॉमिटिंग, पैनक्रियाटाइटिस जो है इसका थोड़ा यूनिक ADR है। इसके अलावा इसमें एक बॉक्स वार्निंग होती है कि ये आपने अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में ही यूज़ करना है। वैसे आप उसको फर्स्ट लाइन अगर आप टेट्रासाइक्लिन दे रहे हैं ना फर्स्ट लाइन एजेंट के तौर पे, ये ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे, तो तब आपने इसको नहीं देना, तब आपने इस ड्रग को बिल्कुल नहीं देना। बाय द वे इसको वॉरफेरिन के साथ नहीं देना, क्योंकि वो इसकी जो जब इसको कोड निस्टर किया गया तो ये क्लेरेंस जो है काम करता है वॉरफेरिन का, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि थोड़ी सी थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस हम देख लेते हैं टेट्रासाइक्लिन्स की। थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस हम देखेंगे तो सबसे पहले है हमारे पास ग्राम नेगेटिव रॉड्स के लिए अफेक्टिव है, उसमें हमारे पास है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, जी हम सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जो है ना क्या नाम है इसमें ज़्यादा पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जो है ये इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉज करने वाला एजेंट है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है। इसकी ट्रीटमेंट में हम बिस्मथ देते हैं, मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स देते हैं, PPI भी साथ में देते हैं, तो इसमें भी जो टेट्रासाइक्लिन है ना वो ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ होती है। फिर आपके पास आती है लाइम डिजीज़ में ये बोरीलिया बर्गडोर फेरी इसको कॉज करता है, इसमें भी फीवर हो जाता है, आर्थराइटिस होता है, मेनिनजेंसीफेलाइटिस हो जाता है, मेनिंजस अफेक्ट होती हैं इससे। और इसमें भी इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं कि इसके पेशेंट के जो स्किन है उस पर बुल आई पैटर्न रैश बन जाता है, इस तरह करके एरिथिमा बन जाता है, एरिथिमा हो जाता है, इस तरह करके रैश हो जाता है और आसपास भी एक आउटर लेयर भी बन जाती है रैश की,
ठीक है। फिर हमारे पास है माइकोप्लाज्मा प्रीमोनिया, इसमें हम वॉकिंग निमोनिया भी हम इसको कहते हैं प्रीमोनिया। इट इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ कम्युनिटी वॉकिंग, इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें पेशेंट को रेयरली फिर हॉस्पिटल में एडमिशन जो है वो रिक्वायर्ड होता है। मिलिट्री कैंप्स में ये होता है ज़्यादातर, और मिलिट्री कैंप्स में जो लोग हैं वो साथ में मतलब बहुत ज़्यादा क्लोजली रहते हैं, क्लोज कॉन्फाइंस में रहते हैं। इसमें भी हम मैक्रोलाइड और डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं। मैक्रोलाइड जो दूसरी क्लास है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर की, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, और साथ में टेट्रासाइक्लिन में हम डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो देते हैं। कोलेरा, विप्रियो कोलेरा कॉज करता है, इसमें सबसे ज़्यादा डिसेंट्री हो जाता है, इसमें वाटर लॉस बहुत होता है, ऑर्गेनिज्म जो है जी आई टी ट्रैक मल्टीप्लाई करता है और एंटेरोटॉक्सिन रिलीज करता है विप्रियो कोलेरा। विप्रियो कोलेरा जो डायरिया प्रोड्यूस करता है, हाइपरटेंशन हो जाती है, इसमें ट्रीटमेंट में इसमें भी डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, ठीक है। क्लैमाइडियल ट्रैकोमैटिस, ये मेजर कॉज है एसटीडी की यूनाइटेड स्टेट में भी, और इट कॉजेज नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस। ये एसटीडी है मैन में, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कॉज करता है, और लिम्फोग्रेनुलोमा वेनिरम जो अल्सर हो जाता है इन द जेनिटल एरिया, और ये भी एसटीडी है। बाय द वे क्लैमाइडिया सिटाकी ये ज़्यादातर ना बर्ड्स में से, बर्ड्स जैसा पैरेट है ना, पैरेट से मतलब ह्यूमन में बींग में ट्रांसफ़र होता है। इसमें निमोनिया है, बाकी जो है हेपेटाइटिस है, मायोकार्डाइटिस और कोमा में। इसमें भी हम डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन। और जो एजिथ्रोमाइसिन है ये भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर की एक और क्लास में से हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। फिर रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, इसमें रिकेट सी कॉज करता है, डिस्कटा। इसमें फीवर चिल्स और इसमें जॉइंट्स मतलब आर्थराइटिस हो जाता है, इसमें आपको बोन्स में पेन होती है। तो बेटर है कि आप इसको जल्दी स्टार्ट कर दें ताकि ये अफेक्टिव हो और ये प्रिवेंट करे डिजीज़। बाकी हमने हर चीज़ डिस्कस कर ली है टेट्रासाइक्लिन में, और आपको इसके अलावा कोई और भी क्यूरी है टेट्रासाइक्लिन से रिलेटेड तो आप मुझे बता दें, मैं आपको आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू।